1803 में आज के दिन ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली, आगरा तथा भरूच पर नियंत्रण किया था। 1906 में आज के दिन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। 1922 में आज के दिन सोवियत यूनियन की स्थापना हुई थी। करीब 7 दशकों तक एक बेहद शक्तिशाली कम्युनिस्ट राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ का अस्तित्व रहा है। 1943 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आजादी का झंडा लहराया। 1949 में आज के दिन भारत ने चीन को मान्यता दी। 1971 में आज के दिन जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का त्रिवेंद्रम में निधन हुआ था। इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे। इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अन्य क्षेत्रों जैसे वस्त्र, भेषज, आणविक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य अनेक क्षेत्रों में भी बराबर का योगदान किया। साराभाई को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में वर्ष 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1975 में आज के दिन अफ्रीकी देश मेडागास्कर में संविधान प्रभावी हुआ था। आज के दिन 1975 में हिंदी के कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार का निधन हुआ। 1996 में आज के दिन ग्वाटेमाला में गत 36 वर्षों से चला आ रहा गृह युद्ध समाप्त हो गया। साल 2002 में आज के दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से चौथा एशेज टेस्ट जीता। 2006 में आज के दिन पूर्वी इराकी शासक सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया गया। 2018 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक मृणाल सेन का निधन हुआ था। मृणाल सेन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2003 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था।